नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। राज्य सरकार की ओर से आज से सभी स्कूलों में 100% ऑफलाइन शिक्षा शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते आज से ऑफलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हुई है। लेकिन फिर भी शहर की स्कूलों में अभी भी 100% हाजिरी देखने नहीं मिल रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर सरकार की ओर से धीरे धीरे ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवाने की इजाज़त दी गई, जिसके चलते आज से ऑफलाइन शिक्षा 100% शुरू करने के आदेश दिए गए थे और स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि ऑफलाइन पढ़ाई 100% शुरू करने के बावजूद भी छात्र स्कूलों में आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल अभिभावकों की मंजूरी के साथ छात्र स्कूल में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर के स्कूलों में 100% हाजिरी देखने नहीं मिल रही है। हालांकि स्कूलों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार श्री ने सूचना मुजब ऑफलाइन शिक्षण चालू करवामां आवे छे अने ऑनलाइन शिक्षण सरकारना केवा प्रमाणे बंद करवामां आवे छे। अमारी सयाजी स्कूल प्राइमरी वर्षो जूनी संस्था छे अने आजे 75% जेवी संख्या शालामां हाजर छे। एमने मास्क पहेरवानो फरजियात राखवामां आवे छे અને જ્યારે અંદર એન્ટર કરે તો સેનેટાઈઝ હાથ કરવામાં આવે છે અને ક્લાસરૂમ પણ પ્રોપરલી સેનેટાઈઝ કરેલા છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, એક બેન્ચ પર એક જ વિદ્યાર્થી બેસે છે અને અગર સંખ્યા વધારે હોય તો એક બેન્ચના એક કોર્નર પર એક વિદ્યાર્થી અને બીજા કોર્નર પર બીજા ધોરણ વિદ્યાર્થી, એ પણ પહેલાં અને બીજામાં, બીજા ધોરણોમાં નહીં। લાગે છે કે એક વીકના અંદર અંદર સંખ્યા આવી જશે, જેવી રીતે ધોરણ 6-8 અને 1-5 ચાલુ કરવામાં આવ્યા હતા અને સ્ટાર્ટિંગમાં ફક્ત 40 જ વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા, એવી રીતે ધીરે ધીરે સંખ્યા વધતી વધતી 60, 75, 80 અને આજે જે છે 264 છોકરા હાજર છે। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते भारत के जो छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अभिभावक काफ़ी परेशान हैं और अभिभावकों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार उनके बच्चों को भारत वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए। हालांकि इसी बीच वडोदरा शहर की छात्रा आस्था, जो यूक्रेन में MBBS का अभ्यास कर रही थी, वो अपने घर वापस लौटी है। ऐसे में उनका परिवार चिंता मुक्त हुआ है। तो आइए सुनते हैं कि आस्था की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। एक युद्ध की परिस्थिति ने वच्चे छोकराओ टेन्शन में था 20 दिवस थी, एटले अमे सरकार में रजूआत करी थी, जेथी करीने सरकारे पण एर इंडिया की फ्लाइट्स अने ऑपरेटरो साथे वातचीत करी अने इंडियन एम्बेसी ए पण त्यां परिपत्रो जारी कर्या अने तमामने देश छोड़वानुं कही दीधुं, एटले अमे अमारी दीकरीने परत बोलावी। त्यां एक्चुअली दररोज 1-2 हुमला त्यां रशियन जे समर्थकों करता था, एटले एक छोकराओ टेन्शन में था अने एम्बेसी ए पण ए सर्वे करीने बधाने परत जवानुं કહી દીધું। એક્ચ્યુઅલી મેં ડોર આયે ને પણ બીજો લઈ લેજો, અમારી સિટી તો એક્ચ્યુઅલી સેફ જ છે, બટ એમ્બેસી લેટર ઇશ્યુ કરે લો કે જેને ઇફ ટેમ્પરરીલી જવું હોય જઈ શકો છો, એટલે પછી અમે બી આવી ગયા। એક્ચ્યુઅલી અંકલ અમે ગવર્નમેન્ટ નું વેઇટ કરતા હતા, બટ હમણાં કઈ થયું નહીં અને ટેમ આવવું જ હતું, એટલે પછી અમે પપ્પા એ બેરી ટિકિટ્સ બુક કરાવીને અમે આવી ગયા। આમ તો હમણાં તો એવું કઈ દેખાતું નથી કે વોર જેવી સિચ્યુએશન હોય, અંકલ ડર તો ઓછો છે બટ ટેન્શન વધારે છે, બીકોઝ અહીંયા ફેમિલી હોય ટેન્શનમાં, ત્યાં મારા એક્ઝામ્સ છે, એટલે અમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન થશે। એમ્બેસી આમ તો બધા છે જ કોન્ટેક્ટમાં કે આમ કોઈ બી રિપ્લાય આપી દે છે જ્યારે બી અમારે જરૂર હોય છે ત્યારે, ખુશ તો વધારે જ છે બીકોઝ ત્યાં અમે ટેન્શનમાં, અમે અહીંયા ટેન્શનમાં। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच जब लॉकडाउन की स्थिति थी, तब कोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद करवा दी गई थी, जिसके चलते वकीलों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। हालांकि 1 साल के बाद कोर्ट में फिजिकल हियरिंग को फिर से शुरू करवाया गया, जिसके चलते वकीलों की स्थिति ठीक हो रही थी। लेकिन उसी दौरान तीसरी लहर के चलते
फिर से फिजिकल हियरिंग को बंद करवा दिया गया। ऐसे में बीते 2 माह से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद थी, लेकिन अब कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर आज से फिर से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करवाई गई है, जिसके चलते वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में मौजूद न्याय मंदिर पर वकील आज बड़ी तादाद में कोर्ट में दिखाई दिए और साथ ही फिजिकल हियरिंग शुरू होने के चलते वकीलों में खुशी भी देखने मिली। लांबा गाड़ा बाद 10 जानुआरी ना रोज नामदार हाईकोर्ट ने एसओपी मुजब वर्चुअल हियरिंग शुरू थयुं हतुं। फिजिकल हियरिंग टोटली बंद हतुं। 1.5 महीना जेटला समयगाळा दरमियान वर्चुअल कामगीरी थती होवाथी आर्थिक रीते वकीलों पर भारण वधी गयुं हतुं। जुनियर वकीलों ने परेशानीनो सामनो करवो पड़तो हतो, परंतु आजे कोरोनाना केसो घटता नामदार हाईकोर्टे तेओने एसओपी जाहेर करीने फिजिकली हियरिंग शुरू करायुं छे। आजे राबेदा मुजब मुख्य शहेरो जेमा अमदावाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा शहेरनो समावेश थाय ते तमाम शहेरोमां कोर्टो नियमितपणे शरू थई गई छे अने असीलो पण नियमितपणे कोर्टमां आવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। आज मातृभाषा गौरव दिन है। ऐसे में शहर के हरणी इलाके में मौजूद गुरुकुल विद्यालय पर मातृभाषा गौरव दिन को धामधूम से मनाया गया। राज्य सरकार की ओर से आज से ऑफलाइन शिक्षा को फिर से शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत आज मातृभाषा गौरव दिन को भी मनाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर के हरणी इलाके में मौजूद गुरुकुल विद्यालय में मातृभाषा गौरव दिन को मनाने का आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी दिनेश पंड्या, आचार्य, शिक्षक, अभिभावक समेत छात्र बड़ी तादाद में जुड़े थे। वैसे इस विशेष दिन पर स्कूल के छात्रों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक नाट्य की पेशकश की गई। गुरुकुल विद्यालय हरणी वारसिया रिंग रोड। अमे अमारा शाळानी अंदर समग्र वर्ष दरमियान भणवानी साथे साथे बीजी पण अधर एक्टिविटी घणी बधी प्रवृत्ति करावता होईए छीए। एनी अंदर आजे मातृभाषा दिवस 21 फेब्रुआरी बराबर एना आयोजननो प्रोग्राम करी अमे मातृभाषा दिवसनी उजवणी करी हती। अमारी शाळानी अंदर जुदा जुदा प्रांतना घणा बधा विद्यार्थीओ भणे छे, कोई हिंदी छे, कोई सिंधी छे, कोई मराठी छे, बराबर। पण आजना दिवसे बधा ज पोतानो प्रांत भूली अने बस मातृभाषा गौरव दिवस गुजराती अने गुजरातनो गौरव गाथा गान करवा माटे आजनो आ प्रोग्रामनो अमे आयोजन करेल हतुं। जय जय गरवी गुजरात। वडोदरा की निशा कुमारी कई साहसिक कार्य करती है, ऐसे में फिर एक बार उनकी ओर से साहसिक कार्य किया गया है। दरअसल निशा कुमारी ने 15 किलो वजन के साथ गिरनार पर्वत का आरोहण किया है। कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं के बीच भी 15 किलो वजन लेकर निशा कुमारी गिरनार पर्वत तक चढ़ी। उनकी ओर से ये साहसिक कार्य किया गया, जिसे लोगों की ओर से काफी सराहा जा रहा है। प्राजुला से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर मौजूद कागवदर गांव से बाबू भाई प्रजापति, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका, कच्छ में कोटेश्वर और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए पद यात्रा करते हुए रवाना हुए हैं। दरअसल पिछले साल जब वो पद यात्रा करते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, तब वो कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उस वक्त उनकी ओर से ये संकल्प किया गया था कि वो अगली बार फिर आएंगे और इस बार सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। ऐसे में 18 फरवरी से उन्होंने पदयात्रा शुरू की है और 15 माह बाद वो पदयात्रा कर वापस लौटेंगे।
सावली से ये खबर सामने आ रही है, जहां के वाकानेर गांव के तालाब में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी थी। दरअसल गांव के लोगों को लाश तैरती हुई दिखाई देने पर गांव के निवासी बड़ी तादाद में वहां पर जमा हो गए और पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी गई, जिसके बाद जमा हुए लोगों की ओर से डीकम्पोज हालत में लाश को बाहर निकाला गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ये लाश 55 साल के बाबू भाई रावल की है और 5 दिनों पहले वो घर से लापता हो गए थे। ऐसे में इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करजन तालुका के मालोद गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 वाहनों के बीच में हादसा हुआ, जिसके चलते 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और लोगों की ओर से पुलिस और अस्पताल में जानकारी दे दी गई, जिसके चलते एम्बुलेंस वहाँ पर आ पहुँची और 3 लोगों को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई भी शुरू करवा दी गई। हालांकि पुलिस की ओर से भी इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू करवा दी गई। हमें अमरा गामना 4 वक्ती वासना जता था, जनोर थी वासना के नारेश्वर थी पालेज जो रोड आवे एनी ऊपर कोई अजाण्या वाहन है, टैंकर के कोई आईसा टेम्पो के कोई भी वाहन हो, टक्कर मारी अने 3 जन मौत निपजेलू छे अने 1 भाई नो हाथ भागी गयो, 8 ईजा थईली छे। एने अमे भरूच सिविल मां हॉस्पिटल सारवार माटे लई गयेला छे अने आ लोकोनी साधनोनी बहु खूब भागदौड़ है, रेटीनी लीडो चाले है, एट ये बहुत झड़पी वाहनों बगाड़े, आजूबाजू कहीं जोता नहीं, कोईनो ख्याल करता नहीं, ने टू व्हील वाला तो बिलकुल ख्याल नहीं करता। अने आ टू व्हील वाला ने फेंकी ने फंगोड़ी ऊपर टैंकर ने जीवी कई साधन हो चढ़ी गयेलू है, तनु मरण थेलू है मालोट गाम पास टर्निंग पर। जूनागढ़ के वंथली में लुशाला से मधरवाड़ा तक 9 किलोमीटर की सड़क का कार्य 13 लाख रुपयों के खर्च पर करवाया जा रहा है। हालांकि इस कार्य को मंजूरी साल 2020 में मिली थी और इस कार्य के लिए साल 2020 में ग्रांट भी दी गई थी। हालांकि इस वक्त साल 2022 चल रहा है, उसके बावजूद भी ये सड़क बनवाने का कार्य खत्म नहीं हुआ है। इतनी धीमी गति से ये कार्य आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते वहाँ के निवासियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और रोष में आए निवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कार्य को खत्म करवाया जाए। मरम्मत रकम आपी है, परंतु आ रोड 2021 में पूरा करवाने बदले आज 2022 से छता पण आ रोड नु काम गोकर गाय गति हाले से। जो आ रोड वेली तके पूरा करवामां आवे लोकोनी सुखाकारी माटे, आवुं करवामां नहीं आवे तो तमाम लोकोने साथे राखीने उग्र आंदोलन करवामां आवशे। जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर महाशिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। वैसे कोरोना के चलते बीते 2 सालों से ये मेला आयोजित नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए इस बार महाशिवरात्रि के मेले के आयोजन को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद जूनागढ़ के जिला कलेक्टर रचित राज की ओर से ये घोषणा की गई कि इस बार का महाशिवरात्रि का मेला काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, जिसे कई सालों तक लोग याद रखेंगे। ऐसे में इस बड़े महाशिवरात्रि के मेले को आयोजित करने के लिए जूनागढ़ प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां शुरू करवा दी गई है। कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है, इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, हजारों लाइट्स लगवाई जा रही है, तो वहीं साधु संतों का आगमन भी अब जूनागढ़ में शुरू हो चुका है। ऐसे में उन सभी के रहने की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के मेले में बड़ी तादाद में भक्तों की उपस्थिति रहेगी, तो उन सभी के लिए जरूरी हर बंदोबस्त करवाए जा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर सेवाभावी संस्थाएं भी आगे आ रही है। अहमदाबाद के जाने माने सर्जन डॉक्टर अपूर्व व्यास की ओर से अमरेली में मोटापे के लिए निशुल्क कैंप का आयोजन करवाया गया। मोटापा इस वक्त भारत में बड़ी बीमारी के तौर पर आगे आ रहा है। दरअसल मोटापे की बात में भारत देश विश्व में 2 नंबर पर आता है, जिसके चलते अन्य कई बीमारियां भी आती है। ऐसे में इन बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए और इन बीमारियों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए अमरेली में अहमदाबाद के जाने माने सर्जन डॉक्टर अपूर्व व्यास की ओर से निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर इस कैंप का लाभ लिया। धारिनी बाजू में खीसा
तो अमारे दीकरानो दीकरो 8 મણ ને 2 કિલો वजन हतो, तो अमे अमारा मकान पड़ी जाता पछी अमारे टेनू भाई ने आया, टेनू भाई आता तपास करो एटले जोयुं, जोता आ वीडियामां मोकल्यो एटले अमारे अमदावाद पूर्व साहेबे आ जोयुं, जोता अटाणे अमारे बहु सारूं छे, 2.5 મણ वजन उतरी गयो छे, अत्यारे दीकरो चालतो नहोतो एना बदले अत्यारे मळ्यो दौड़वा, तो आजे अमने अमरेली साइन सागर हाटू अहीं बोलाव्या, तो आजे हजी अमारे 2.5 મણ काढवानो, इने साहेब पूर्व साहेबे कीधुं के 2.5 મણ हजी काढवानो अमारे कोशिश अमारी सारूं छे, तो एनी माटे अहीं अमे आव्या छे, तो अमारुं आ बहु सारूं काम थई गयुं अने अमारे पूर्व साहेब एटले मानो कि अमारे आखा भगवान अमने मळी गया। जूनागढ़ के भवनाथ में 12वीं अखिल भारतीय गिरनार आरोहण अवरोहण प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय गिरनार आरोहण अवरोहण प्रतियोगिता का आयोजन जूनागढ़ के भवनाथ में हुआ था, जिसमें देश के 11 राज्यों में से कुल 449 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। राज्य के पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम की ओर से प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई गई थी और फिर प्रतियोगिता में विजेता घोषित होने वाले सभी को पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम के हाथों ही नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मैं सिखड़ मिर्जापुर चुनाव की रहने वाली, मेरे मुझे यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहली आई थी तो मुझे ये कुछ पता नहीं था इसके बारे में, फिर भी मैंने जूनियर में फर्स्ट की, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो मैं ये क्योंकि मैं अगली बार आऊँगी तो जरूर उसे तो मैंने इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया 32 मिनट 15। अब पढ़ाई किस कक्षा में करती हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी प्रैक्टिस क्या किया था आपका स्टेट कौन सा है प्रैक्टिस क्या किया था हाँ प्रैक्टिस कहाँ की थी अब जूनागढ़ में ये है ये किस तरह आपको पता चला ये मेरी फ्रेंड है रहना की वो सब यहाँ पहले आती थी उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे सीढ़ियों के लिए मन भाई से मुझेला 4 वर्ष थी स्टेट और नेशनल में फर्स्ट आऊँ छू जो 2 વર્ષ જુનિયર માં હતો અને 2 વર્ષ સિનિયર માં આ વખતે મેં નેશનલ માં રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો છે જો રેકોર્ડ હતો 55.31 નો અને રેકોર્ડ મેં 55.1 સેકન્ડ નો રેકોર્ડ તોડ્યો છે 55.30 ટાઈમ આવ્યો છે મારો તે બદલ બહુ ખુશ છું અને મેં 27 દિવસની મહેનત કરી હતી તે બદલ મને આ પરિણામ મળ્યું છે અને સરકાર તરફ સરકારશ્રીને મારી એક નિવેદન છે કે આ નેશનલનું સર્ટિફિકેટ કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબમાં વેલિડ ગણાય તેવી મારી નંબર વિનંતી आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।